ज्यादातर लोगों को लगता है कि सारी दुनिया की यूनिक प्रॉब्लम्स उन्हीं के साथ हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स उनके अलावा कभी किसी और के साथ हो ही नहीं सकती। लेकिन हकीकत तो ये है कि दुनिया में सभी अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। हम लोगों में सबसे आम बात तो ये है कि हम अपने फ्यूचर और पास्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं, जैसे कि क्या बनेगा मेरा जब मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, ओ मैन अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और सबसे ज्यादा पॉपुलर तो ये है मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। ऐसी सोचें ना कि सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करती हैं बल्कि बहुत तकलीफ भी देती हैं, और लोगों को अभी तक वो एग्जिट बटन नहीं मिला जिससे वो परेशानियों से बाहर निकल सकें और अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकें। और ज्यादातर लोगों को लगता है कि इनसे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, लेकिन परेशानियों से बाहर निकलने का तरीका है, और इसके दो तरीके हैं जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। नंबर वन, स्टॉप क्रिएटिंग टाइम अराउंड योर वरीज। वो चीजें जो आप सोचते हैं कि फ्यूचर में होंगी वो तब तक नहीं होंगी जब तक वो आपका प्रेजेंट ना बन जाए, यानी कि वो फ्यूचर तब तक वाकया नहीं होगा जब तक उसका टाइम ना आ जाए। हर वो चीज जो आप पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं या फ्यूचर में एक्सपीरियंस करेंगे वो सब कुछ आपके प्रेजेंट में ही होना है। जैसे कि आपका सारा पास्ट आपकी आंखों के सामने गुजरा है, बिल्कुल वैसे ही आपका फ्यूचर भी आपकी आंखों के सामने से ही गुजरेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्यों हम इन पॉइंटलेस सी बातों को सोच सोच कर परेशान रहते हैं और अपना टाइम भी वेस्ट करते रहते हैं, जबकि हमें ये भी कंफर्म नहीं कि वो एक्चुअल में होना भी है या नहीं। एक सवाल है मेरा आपसे, ये बताएं कि आखिरी दफा आप कब परेशान हुए थे अपने टीथ ब्रश करने के लिए? शायद कभी नहीं, राइट? मैंने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना, ओ यार मैंने कल अपने टीथ ब्रश करने हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हम टीथ ब्रशिंग या खाना खाने के लिए कभी परेशान नहीं हुए, इसी तरह वो केयरलेसनेस हमें अपने फ्यूचर के बेवजह की थॉट्स पर भी अप्लाई करनी चाहिए। नेवर लेट द फ्यूचर डिस्टर्ब यू, यू विल मीट इट इफ यू हैव टू विद द सेम वेपन्स ऑफ रीजन व्हिच टुडे आर्म यू अगेंस्ट द प्रेजेंट, मार्कस ऑरेलियस। नंबर टू, स्ट्राइव टू अकम्प्लिश योर गोल्स बट रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम देम। यानी कि आप अपने गोल्स के लिए बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आप गोल को अचीव करके भी और अचीव किए बगैर भी खुश हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि फ्यूचर एस्पिरेशन को अचीव करने में ही खुशी है तो इसका मतलब है जहां आप अभी हैं इससे जरा भी खुश नहीं है। लोग इस बात को मानते हैं कि वो गोल को अकम्प्लिश करेंगे तभी वो खुश होंगे, लेकिन ये गलत है। हमें अपनी खुशियों को अपने गोल से अटैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं और कामयाबी की उम्मीद करते हैं, लेकिन अक्सर जब वो फेल हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और उनकी हालत खराब होने लगती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जिस हालत में अभी हम हैं उसमें भी खुश रहना सीखना चाहिए। इसलिए अपने गोल्स पर काम करो, कामयाबी की तरफ फोकस करो, लेकिन कामयाबी की उम्मीद मत करो। अगर आप फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा कोशिश करें। और अगर आप कामयाब हो जाते हैं, इट्स कूल एज वेल, इट डजंट चेंज एनीथिंग। तो पहला प्रिंसिपल था स्टॉप क्रिएटिंग टाइम अराउंड योर वरीज। वो फ्यूचर इवेंट्स तब तक नहीं होंगे जब तक उनका टाइम नहीं आ जाएगा। सब चीजें प्रेजेंट में ही होती हैं, कोई भी चीज प्रेजेंट से बाहर नहीं होती। आपका अपने फ्यूचर को लेकर परेशान रहने से इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा कि एक्चुअल में इसे कैसा होना चाहिए। इसलिए आपकी ऐसी परेशानियां बिल्कुल पॉइंटलेस हैं। सेकंड, मेहनत करो लेकिन कामयाबी से उम्मीद मत करो। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, यू शुड वर्क ऑन सक्सेस बट फॉरगेट अबाउट सक्सेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा दिन सोते रहें और कामयाबी खुद चलकर हमारे पास आ जाएगी। नहीं, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, परेशानियों से दूर रहना चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले से बताई हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।